यात्रा स्वयं को खोजते हुए स्वयं में ही खो देने की हो, तब सतपुड़ा के जंगल आपके अन्वेषण, आपके खोज के आधार हो जाते हैं। यह यात्रा अपने गंतव्य पर यह अनुभव कराती है मानो हम कोई मनोहर चित्र या अकल्पनीय चलचित्र में प्रवेश कर रहे हैं। आज की यात्रा का गंतव्य एक ऐसे वशीभूत करने वाले जलप्रपात का है जिसकी ऊंचाई या कहें गहराई मध्य प्रदेश में सबसे सर्वोच्च जलप्रपातों में आती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पचमणी के सिल्वर फॉल की, जिसे रजत प्रताप भी कहा जाता है। प्रातःकाल 6 बजे हमने अपनी यात्रा कुछ ट्रैकर्स के साथ भोपाल से आरंभ की। सवेरे सवेरे राष्ट्रीय मार्ग की सादगी भरे अंदाज को निहारने का अपना ही आनंद रहता है, और अगर आपको सुबह का जलपान एक ऐसे भोजनालय में करने मिले जहां देशभक्ति की झलक से आपकी आंखें चौंधिया जाएं, तब आपका आनंद परमानंद में बदल जाता है। बाबा जी का ढाबा, जी हाँ, जहां फौजी भाइयों को भोजन मुफ्त में दिया जाता है। हमने भी यहां पर जलपान का स्वाद लिया। देशभक्ति और स्वादिष्ट जलपान के पश्चात हमारी यात्रा सतपुड़ा के जंगल और पर्वतों के बीच गुजरने लगी। समय की तीव्र गति ने पता नहीं कब हमारे आज के गंतव्य पनारपानी रिट्रीट कैंपसाइट पर ला दिया। सब अपने आवश्यक सामान लेकर फिर से वाहन में आ गए और हम चल दिए बायसन लॉज, जहां से हमें प्रवेश पर्ची लेना था। यहां हमने गाइड भी किया। खान साहब, जिनका ज्ञान अतः सागर के समान था, चाहे पचमणी का इतिहास हो या यहाँ की वनस्पतियाँ, उन्हें हर विषय के बारे में एक शोधकर्ता के समकालीन ज्ञान था। उन्होंने बायसन लॉज की भी एक कहानी सुनाई। बायसन लॉज पचमणी की पहली इमारत है। 1862 में इसका उद्घाटन हुआ था। कैप्टन पोर्सिथ ने पचमणी में पहली बार कैंपिंग की थी और भारत की पहली फॉरेस्ट सेंचुरी बनी थी। पहला कार्यालय फॉरेस्ट सेंचुरी का भी बायसन लॉज ही है और 1980 में इसे म्यूजियम में बदल दिया गया। इतिहास की डुबकी लगा के वर्तमान में आना आवश्यक था, क्योंकि एक अति सुंदर और वशीभूत करने वाला जलप्रपात हमारी ही प्रतीक्षा कर रहा था। हम अपने वाहन से सिल्वर फॉल के प्रवेश द्वार तक आ पहुँचे। यहाँ से हमें लगभग 4 किलोमीटर की पदयात्रा करनी थी। हमारी पूरी टोली इस पदयात्रा को लेकर बहुत उत्साहित थी। हमारी टोली का मिश्रण बहुत ही अद्भुत था। यहाँ कुछ युवा पदयात्री थे तो कहीं अनुभव अपनी परिकाष्ठा को छू रहा था। आकर्षक वादियों में पगडंडियाँ हमारा स्वागत कर रही थी। हरियाली चारों ओर लहलहा रही थी। आरंभ में कुछ सीढ़ियाँ रास्ता आसान कर रही थी। सीढ़ियों के दोनों ओर से वृक्षों ने घेर के रखा था, मानो वृक्ष रूपी दीवार हम पदयात्रियों को यात्रा के लिए साहस दे रही हों। कुछ देर में ही सीढ़ियों ने साथ छोड़ दिया और हम घास के मैदान में जंगलों के अंदर पगडंडियां ढूंढने लगे। खान साहब, जो हमारे मार्गदर्शक थे, वे भी बीच बीच में कभी जंगली मशरूम तो कभी जंगली वनस्पतियों की जानकारी साझा कर रहे थे। यात्रा में चट्टानों से नीचे उतरते समय यह अनुभूति हो रही थी कि वर्षा ऋतु में इन्हीं चट्टानों से पानी बहता होगा। चलते चलते कभी आराम करें तो दृष्टिगोचर होता था कि गगनचुम्बी पर्वत दूर से आसमान को छूने की एक असफल कोशिश कर रहे हैं।
घने सतपुड़ा के जंगलों ने नीचे जाने का मार्ग तो दे दिया था, पर दिनकर जी ने भी अपने ताप से हम सबकी परीक्षा ली। पर इन सब मुश्किलों के मध्य हमें दूर से कहीं सिल्वर फॉल दृष्टिगोचर होने लगा था। जंगलों और धूमिल सी पगडंडियां हमें धीरे धीरे जलप्रताप की ओर ले जा रही थीं। जंगलों को चीरते हुए हमारा दल सावधानी पूर्वक प्रताप की ओर अग्रसर हो रहा था। जैसे जैसे प्रताप समीप आ रहा था, सबकी उत्कंठा बढ़ती जा रही थी, और बढ़ी भी क्यों ना, मध्य प्रदेश के सबसे ऊंचे जलप्रताप का अनुभव जो लेना था। कुछ देर में हमारा स्वागत कुछ जलधाराओं ने किया। वहां से पेड़ों के बीच सिल्वर फॉल बहुत ही अद्भुत दृष्टिगोचर हो रहा था। जंगलों की कठिनाइयों को पार करके अब हमारा आज का गंतव्य सिल्वर फॉल हमारे समक्ष अपनी विशालता को प्रस्तुत कर रहा था। सिल्वर फॉल की ऊंचाइयों को देखने में गर्दन की कसरत तो हो रही थी, पर मन प्रफुल्लित भी हो रहा था। एक अविस्मरणीय स्मृति हमारे अचेतन मस्तिष्क में कहीं वास करने वाली थी। इस प्रताप का आकर्षण इतना था कि हमारा पूरा दल कुछ समय के लिए केवल मूर्ति सा स्तब्ध होकर जलधाराओं को देखता रहा। अद्भुत और अकल्पनीय दृश्य को निहारते हुए हमने यहाँ भोजन भी किया। अब वो करना था जिसका हमें बिल्कुल भी मन नहीं था। अब हमें वापस लौटना था। पदयात्रा अब और जटिल होने वाली थी। लगभग हमें 4 किलोमीटर की पदयात्रा पहाड़ी पर चढ़ के करनी थी। पर जोश और उत्साह हमारी टोली का परिचय था। खान साहब ने लौटते वक्त हमें वनों में मिलने वाला मच्छर मारक पत्तियों के भी जानकारी दी, जिसकी शायद हमें सबसे ज़्यादा आवश्यकता थी। ये देखिए मॉस्किटो रिपेलेंट है, नेचुरल ओरिजिनल विदाउट एनी केमिकल्स। हमने पहाड़ों की कंदराओं से स्वच्छ जल का भी आनंद उठाया। थोड़ी मेहनत करनी पड़ी, पर जल का स्वाद अपने आप में बेजोड़ था। शुद्ध हवा और स्वच्छ जल को पीछे छोड़ अब हम वापस आ गए अपने कैंप साइट पर। यहाँ हमने रात्रि में कैंप फायर का आनंद उठाया, कुछ गाना बजाना भी हुआ, और रात्रि भोज के बाद आज की ना भूलने वाली यादें और कल के रोमांच का स्वप्न लिए निंद्रा के आगोश में चले गए। पर आपसे वादा है फिर मिलेंगे कल सुबह एक नए प्रताप की पदयात्रा पर। जी हाँ, कल होगी डचेस फॉल और खतरनाक ट्रैक की कहानी। कोई जिज्ञासा हो तो संदेश संदूक में लिखकर पूछिए, समाधान का प्रयास करेंगे। आपने पूरे मन से यह चलचित्र को देखा, इसके लिए आपका आभार।